Hello students, and welcome back to another new session of circulatory system. And today we will discuss about conducting system of heart. So it's a very important topic for class 11th as well as for for competitive examination, for NEET examination. So conducting system of heart is basically about the functioning of heart. And इस चीज को समझने के लिए सिर्फ एक बेसिक चीज अगर आप जानते हैं तो ये पूरी फंक्शनिंग ऑफ हर्ट बहुत इजी हो जाती है. एज वी नो दैट कि कंप्लीट हर्ट इज मेड अप ऑफ मसल, दैट्स व्हाई हर्ट इज नोन एज मायोसिन. मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं दैट हर्ट इज मायोसिन. मायोजेनिक मींस मस्कुलर ओरिजिन. इट इज कंप्लीटली ऑफ मेड अप ऑफ मसल्स एंड दैट प्रॉपर्टी helps in the conduction or the functioning of the heart. आज हम लोग समझेंगे कि how this property helps in the functioning of heart. Myogenic means muscles. तो muscles की two important properties है, शायद आपने इस topic को previously कभी पढ़ा हो, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं इस पर video भी upload करूंगा. तो muscles की जो two properties है, इसमें द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एक्साइटेबिलिटी. एक्साइटेबिलिटी एंड द सेकेंड वन इज कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी. अगर ये दोनों टर्म्स आपको समझ में आ गए तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हर्ट बहुत इजी लगेगा, क्योंकि पूरा का पूरा फंक्शन बेस्ड किस पे है? मसल्स पे. एंड ये फंक्शन किस पे बेस्ड होगा? फाइनली मसल की प्रॉपर्टीज पे. तो ये एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी है क्या, इसको समझने के लिए मैं बहुत सिंपल सा डायग्राम दूंगा, विच इज अ मसल फाइबर. और मसल फाइबर में आप जानते हैं जो इंटरनोटिक फाइबर्स होते हैं, इसमें नेगेटिव चार्ज का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, नेगेटिव चार्ज आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पॉजिटिव चार्ज का कंसेंट्रेशन ज्यादा है. इस प्रॉपर्टी से होगा क्या, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होंगे, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा. जब पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा तो ये इन फाइबर्स की मेम्ब्रेन को टैप करेगा. इस टैपिंग से वेव ऑफ एक्साइटेशन डेवलप होगी और इसी वेव ऑफ एक्साइटेशन पे पूरी फंक्शनिंग हर्ट की रेगुलेट होती है. तो अब हम लोग समझेंगे कि ये एक्साइटेबिलिटी और ये कंडक्टिविटी कैसे फंक्शनिंग ऑफ हर्ट में इंपॉर्टेंट है. So, the generation of impulse, जो four important components हैं, which mainly conducts or which mainly regulates the functioning of heart. तो इसमें first one is SA node, sinoauricular node. SA node और sinoauricular node. तो ऐसे नोड कैसे हर्ट के फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है, पहले इस चीज को मैं समझाऊंगा. तो ऐसे नोड का जो पूरा प्रोसेस है समझने के लिए ऐसे नोड की लोकेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं हर्ट का, इसमें चैम्बर्स आपको प्रीवियस वीडियोस में मैं समझा चुका हूं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. तो राइट ऑरिकल के अपर एंड लेटरल वॉल पे, ये इसका अपर वॉल हुआ और ये इसका लेटरल वॉल हुआ, तो इस पर्टिकुलर पोर्शन पे एक बैंड ऑफ फ्लैटन मसल्स, स्ट्रिप लाइक मसल्स प्रेजेंट होता है. तो ऐसे नोड मेनली लोकेटेड एट अपर लेटरल वॉल ऑफ राइट ऑरिकल.
दिस इज अ लोकेशन ऑफ SA नोड. क्लियर? एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ SA नोड? इट इज अ स्मॉल flattened strips of cardiac muscles. Okay? So, these two points will help you to understand the location and the characteristic. So, what will happen? कि ऐसे नोड के अगर हम आउटर पे देखें तो ये पूरा पोर्शन जो है ये फिल्ड है विद ब्लड. इट मीन्स कि इस पोर्शन में सोडियम का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा क्योंकि ब्लड का जो टेस्ट है सॉल्टी है एंड दैट सॉल्टी टेस्ट इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम आइंस. तो सोडियम का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा यहां पे. और इंटरनली जो मसल फाइबर्स हैं यहां ये जो बैंड ऑफ मसल फाइबर्स है इसमें नेगेटिव चार्ज का कंसेंट्रेशन ज्यादा है. बस समझ में आ रही है आपको? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पॉजिटिव चार्ज का कंसेंट्रेशन ज्यादा है और इंटरनल फाइबर्स में नेगेटिव चार्ज का कंसेंट्रेशन ज्यादा है. इससे होगा क्या? पॉजिटिव यानी सोडियम नेगेटिवली चार्ज की तरफ मूव करेगा. जब सोडियम नेगेटिवली चार्ज की तरफ मूव करेगा तो ये क्या करेगा? इंटरनोडल फाइबर्स को टैप करेगा. सपोज ये इंटरनोडल फाइबर है तो सोडियम आके इसको टैप करेगा. इस टैपिंग से वेव ऑफ एक्साइटेशन डेवलप होगा और इसी वेव ऑफ एक्साइटेशन को कार्डियक इंपल्स बोलते हैं. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम का कंसेंट्रेशन ज्यादा है और ये जो इंटरनोडल फाइबर्स है इसमें नेगेटिव चार्ज कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि फिजिक्स भी हमें ये बताती है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट. तो ये अट्रैक्ट होगा और इससे ये होगा क्या कि इन फाइबर्स को टैप करेगा. जब ये टैप करेगा तो वेव ऑफ एक्साइटेशन डेवलप होगी जिसे हम कार्डियक इंपल्स बोलते हैं. कार्डियक इंपल्स जनरेट्स ड्यू टू द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, ड्यू टू द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंसेस बिटवीन सोडियम इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड द नेगेटिवली चार्ज आयन इन इंटरनोडल फाइबर्स. नेगेटिव चार्ज इन इंटरनोडल फाइबर्स एंड दैट कार्डियक इंपल्स इज ऑल्सो नोन एज पेसमेकर ऑफ द हार्ट. दैट कार्डियक इंपल्स इज ऑल्सो नोन एज पेसमेकर ऑफ द हार्ट. बहुत से पर्सन में ड्यू टू द हाई कोलेस्ट्रॉल ड्यू टू द हाई फंक्शनिंग कैपेसिटी ये डैमेज भी हो जाता है तो आर्टिफिशियल पेसमेकर भी यही में प्लेस किया जाता है. मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, अगर आप एनाटॉमी समझें हार्ट की तो जिस पर्टिकुलर पार्ट पे ये SA नोड प्रेजेंट है यहां पे एक साइनस प्रेजेंट होता है जिसे हम साइनस विनोसस बोलते हैं. साइनस विनोसस. सो मेनली इट engulfs, it adapts SA node. So what will happen? SA node generates impulse and that impulse, that rhythmicity is highest among the all other fibers. अभी मैं बताऊंगा जो बाकी fibers present है यहाँ पे वो उनसे ज्यादा ये SA node अपनी rhythmicity show करता है. अब जैसे ही ये impulse generate हुआ, pacemaker generate हुआ, मैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ आऊंगा, दैट इज AV नोड. तो AV नोड के लिए सो द नेक्स्ट वन इज AV नोड
ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड, मीन्स एवी नोड. सो इफ यू टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ एवी नोड, इट इज लोकेटेड एट इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम. ये राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल को जो डिफरेंशिएट कर रहा है, दिस वन इज इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम, ये इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम है. तो इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम में इट इज लोकेटेड टूवर्ड्स द राइट साइड. सो राइट साइड मीन्स दिस वन. This is the location of AV node. अच्छा, the characteristic is similar. जैसे ऐसे node का characteristic क्या था? Band of cardiac muscles. It is also a band of cardiac muscles. ऐसे node generates impulse. AV node also generates impulse. क्योंकि दोनों ही muscles fibers हैं, तो दोनों ही अपना impulse generate करेगा. But एवी नोड की इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये अब हम लोग समझेंगे. तो एवी नोड मेनली गेट सिग्नल्स फ्रॉम द एसए नोड. ये एसए नोड से सिग्नल लेगा और सिग्नल लेने के बाद एवी नोड अपने सिग्नल्स को सेंड कर देता है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में. तो इसका जो मेजर फंक्शन है एवी नोड का, दैट इट फॉर्म्स द ओनली कंटिन्यूटी बिटवीन ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स. वो कैसे बनेगा? जैसे ही सिग्नल लेगा ऑरिकल से, एवी नोड डिवाइड्स इनटू टू बंडल्स, दैट इज राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, विच इज नोन एज बंडल ऑफ हिस. तो दिस वन इज बंडल ऑफ हिस. सो एवी नोड अगर लोकेशन की बात करें, तो लोकेटेड एट द राइट साइड ऑफ इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम एंड द फंक्शन ऑफ एवी नोड इज टू फॉर्म द ओनली कंटिन्यूटी बिटवीन ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स. तो फंक्शन इज वेरी सिंपल, दैट इट फॉर्म्स only continuity between auricles and ventricles, between auricles and ventricles. So this is the second component which mainly regulates the conducting system of heart. The third, we already discussed about the bundle branches of AV node, which is known as bundle of His. ये right bundle branch and this one is left bundle branch. So the third one is bundle of His. The bundle of His is formed by the division of AV node. So AV node divides to form a right bundle branch and left bundle branch. So these are having the same property, इनके पास भी same property होगी, क्योंकि every node का division हुआ है. तो it is understood कि ये भी cardiac muscle fiber है, ये भी capable है to generate the impulse. Finally क्या होगा, ये जो एवी नोड अपने इंपल्स को सेंड कर रहा था बाय द बंडल ऑफ हिस, जस्ट लाइक दैट टू रेगुलेट द वेंट्रिकल्स, द फाइनल जो कंपोनेंट है, फोर्थ कंपोनेंट फॉर द कंडक्शन ऑफ हार्ट इज पुर्किंजे फाइबर्स. सो पुर्किंजे फाइबर्स मेनली द डिवीजन ऑफ बंडल ऑफ हिस, व्हिच मेनली स्प्रेड्स टुवर्ड्स द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स. So this is the Purkinje fibers location. Now when it spreads to the wall of ventricles, it regulates the contraction and relaxation of ventricles. So Purkinje fiber is responsible for contraction and relaxation of ventricles. SA node
It generates impulse and highest rhythmicity among the all cardiac impulses. Among the all cardiac muscle fibers. So it regulates the entire auricle, their contraction and relaxation. So let's talk about Purkinje fibers. This one is Purkinje fibers, the fourth component in the conducting system of heart. So the fourth component is Purkinje fibers. It is named after a very famous personality, Sir J.E. Purkinje. So Purkinje fibers. The Purkinje fibers located, agar location ki baat karu, located towards the wall of ventricle. The wall of ventricles. This is the location of Purkinje fibers. And if you talk about function of Purkinje fibers, it regulates, function is true, regulate the conduction, regulation of ventricles wall, ventricles contraction and relaxation. Contraction and relaxation. Clear? So ye jo four components hain, these components regulates the conducting system of heart or the functioning of heart. As I note, the major component of heart, because it is also known as pacemaker of heart, because impulse yahi se generate hua hai, cardiac impulse yahi se generate hua hai, jo located hai in sinus venosus area. Now, when it generates impulse, its impulse is highest amongst the all cardiac impulse. It sends impulses to every node, which is located towards the right side of intra-auricular septum. That AV nodes divide into AV bundle or bundle of His, that is right bundle branch and left bundle branch, and ultimately it divides into Purkinje fibers, which spread towards the wall of ventricles and regulates the contraction and relaxation of ventricles. So SA node controls the contraction and relaxation of auricles. Purkinje fibers regulates the, not even Purkinje, even AV node, AV bundles, and Purkinje fibers controls the contraction and regulation of ventricles. And ye jo impulse ka travel hai, ye itna uniformly hota hai कि सबको अपनी फंक्शनिंग के लिए प्रॉपर टाइम मिले। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। अब कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के सेशन को मैं यहीं वाइंड अप करूंगा एंड वी विल बैक विद न्यू टॉपिक। सो थैंक यू सो मच एंड लाइक माय चैनल एज